पहले से यामा एफजी इंडियन मार्केट में किस चीज़ के कारण फेमस है, वो इसके बल्कि लुक्स एंड टायर साइज। सेगमेंट में सबसे बढ़िया टायर साइज मिलता है, फ्रंट में कब फाइबर है, ये फ्रंट मडगार्ड, काउल, साइड पैनल, सब आपको फाइबर मिलने वाला है। थोड़ी फिट फिनिश में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बट इस गाड़ी की फिट फिनिश लुक सब आप अवॉइड कर सकते हो, बिकॉज ये गाड़ी की सबसे ज्यादा ट्रस्टेड चीज है वो इसका सीट। देख लो, कोई भी बड़ा हम्प यहाँ पर है नहीं, ना ही स्प्लिट सीट आपको मिलती है, तो फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहने वाली है। फर्स्ट टाइम आप अगर इस बाइक को देखोगे ना, तो सेगमेंट में आपको सबसे वेटेड ये दिखने वाली है, बट उसका अपोजिट सीन है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बनाने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज आज हमारे साथ एक ऐसी बाइक है ना जो इंडियन मार्केट में नेकेड स्पोर्ट्स बाइक का ट्रेंड लेकर आई। सिंस 2007 ये गाड़ी रूल कर रही है, बट जहाँ पर बात आती है ना इंडियन मार्केट में, 2010 से 2015 का मार्केट सच में इस गाड़ी ने कैप्चर करके रखा था, जहाँ पर लुक्स की बात आती है, ब्रॉड टायर की बात आती है, और उस टाइम स्पेशली ये गाड़ी अपनी अट्रैक्टिव डिज़ाइन के लिए मानी जाती थी। बट अगर आज की बात करें इन द ईयर 2024, तो ये गाड़ी मानी जाती है सेगमेंट किलर माइलेज के लिए। सो आज इसका डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं, सारे स्पेक्स आपके साथ शेयर करूंगा, साथ ही मैं 150 से 160 सीसी की बाइक लेने का प्लान कर रहे हो, बहुत सारी चॉइसेस इंडियन मार्केट में हो जाती है, लाइक पल्सर N160, N150, साथ ही में डेली कम्यूटर में देखे तो आप SP160 जैसे ऑप्शन से, अपाचे 160, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आज की वीडियो में देखेंगे कि यार क्या कुछ फीचर्स मिलते हैं, और इन द 2024 इस बाइक को लेना वर्थ इट है कि नहीं। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं इसकी फ्रंट प्रोफाइल से। सबसे पहले तो आप कीज चेकआउट कर लो, कुछ इस टाइप की कीज मिलती है। और FZS V4 में आपको दो वेरियंट मिलते हैं, स्टैंडर्ड एंड डीलक्स, जिसमें आपको 1000 रुपीज का डिफरेंस रहने वाला है। दिस वन इज स्टैंडर्ड वेरियंट, जो कि आपको सिर्फ दो कलर में मिलेगा, यह है डार्क मैट ब्लू और आपको एक मैट ब्लैक कलर मिल जाता है। बट अगर आप डीलक्स वेरियंट देखोगे तो उसमें आपको बहुत सारे कलर चॉइसेस मिल जाती है, साथ ही में अभी रिसेंटली M15 वाला आइस फ्लूओ कलर निकाला है। सिंपल सोबर कलर चाहिए, देन दिस कलर इज फॉर यू। सो स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से। FZS V4 से आपको कुछ इस टाइप का सेटअप दे दिया था, जो कि V3 में नहीं मिलता था, और उसके बाद से बाइक में कोई अपडेट आया नहीं है। बाकी जब से LED DRLs एंड फुल LED सेटअप दे दिया है ना, बाइक काफी अपीलिंग लगती है। ये मैंने ऑन कर दिया, रिस्पॉन्स आप चेकआउट कर सकते हो, हाई बीम एंड लो बीम के साथ मिलता है, काफी पावरफुल सेटअप है, काफी बढ़िया विजिबिलिटी प्रोवाइड करने वाला है। साथ ही में साइड की ओर आए तो आपको फुल LED टर्न सिग्नल इसमें मिल जाते हैं। फ्रंट में आप देख सकते हो नॉर्मल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं। जहाँ पर डिस्क ब्रेक्स की बात आती है, 282mm के डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, ब्रेम्बो के डिस्क ब्रेक्स है, बाइब्रे आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ओवरऑल काफी बढ़िया रहने वाली इसकी ब्रेकिंग। बट जहाँ पर एडवांटेज की बात आती है ना, FZS V4 पहले से यामा FZ इंडियन मार्केट में किस चीज के कारण फेमस है, वो इसके बल्कि लुक्स एंड टायर साइज। सेगमेंट में सबसे बढ़िया टायर साइज मिलता है, फ्रंट में काफी ब्रॉड 100 सेक्शन टायर और रियर में आपको मिल जाते हैं 140 सेक्शन टायर। अब मैं आपको प्रोफाइल भी यहाँ पर चेकआउट करा देता हूँ। 100x80R17 मैंने कंफर्म इसलिए कर लिया, बिकॉज यार गाड़ी इतनी ब्रॉड है ना, तो 100 सेक्शन में मुझे पतले लग रहे इस पर, बट आप चेकआउट कर सकते हो कितना प्यारा यहाँ पर लुक मिल रहा है। अभी V4 में आपके डिलक्स वेरियंट में अपडेट आ गया है, पहले जो क्रोम आता था अब आपको ब्लैक भी मिल जाता है, तो वो भी एक चॉइस है। साथ ही में यहाँ पर FZS V4 की बैजिंग मिल जाती है, ऑलमोस्ट इसमें फाइबर पार्ट्स का यूज करा है, जो कि सेगमेंट में लाइटेस्ट बाइक ये बन जाती है, और उसका क्या एडवांटेज है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। साथ ही में यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़े ब्लैक इंसर्ट्स प्रोवाइड करे गए हैं, सब फाइबर है, ये फ्रंट मडगार्ड, काउल, साइड पैनल, सब आपको फाइबर मिलने वाला है। थोड़ी फिट फिनिश में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बट इस गाड़ी की फिट फिनिश लुक सब आप अवॉइड कर सकते हो, बिकॉज ये गाड़ी की सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड चीज़ है वो इसका इंजन। मोस्ट रिलायबल इंजन मिलता है यामा का, और ये गाड़ी फेमस है इंडियन मार्केट में इसके इंजन के कारण है। 149 सीसी का एयर कूल्ड इंजन ये रहने वाला है, जैसा कि आप यहाँ पर एयर फिन्स देख सकते हो। साथ ही में इसमें आपको टू वॉल इंजन मिलता है, जो कि माइलेज ओरिएंटेड ज़्यादा रहने वाला है। बहुत सारे लोग इस बाइक को अंडर पावर भी बुलाते हैं, बट यार देखो सफिशियंट पावर आपको मिल जाती है, 12.4 PS की पावर एंड 13.3 Nm ऑफ टॉर्क। और यार जब पावर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो तो क्या चीज़ आपको ज़्यादा मिलने वाली, वो है माइलेज। बेस्ट इन सेगमेंट माइलेज ये बाइक आपको देने वाली है। सिटी में आप ऑलमोस्ट 40 से 45 का एक्सपेक्ट कर सकते हो, और हाई स्पीड्स पे आपको अराउंड 50 तक का दे देगी। इकोनॉमी पे चला रहे हो तो 55 तक का भी ये बाइक आपको आराम से माइलेज निकाल कर देने वाली है। और इस पर मैं एक हाई स्पीड माइलेज टेस्ट मेरे चैनल पर डाल चुका हूं, जिसमें अराउंड 50 का माइलेज दिया था। तो ओवरऑल माइलेज से रिलेटेड तो आपको इस बाइक में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। काफी बल्कि यहाँ पर टैंक मिलता है, फाइबर की पूरी आप कवरिंग देख सकते हो। साथ ही में रियर की ओर आते हैं, एग्जॉस्ट यहाँ पर आप देख सकते हो, हालांकि मैं आपको सुना भी देता हूँ इसका एग्जॉस्ट थंब। तो जो पुरानी FZ आप देखोगे ना, BS3 BS4, उसमें जो थंब मिलता था वो तो आपको आज की तारीख में नहीं मिलने वाला, बट वैसे भी बहुत ज़्यादा रिफाइंड एग्जॉस्ट ये रहने वाला है। रियर की ओर आते तो यहाँ पर आपको 220mm के डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं। रियर प्रोफाइल में आपको सबसे बढ़िया चीज़ क्या अट्रैक्ट करने वाली, वो है इसका टायर साइज। हालांकि यहाँ पर टायर अगर लगाए तो आपको विजिबल नहीं होगा, बट सेगमेंट में सबसे ब्रॉड 140 सेक्शन टायर आपको मिल जाते हैं, जो कि यार FZ की पहले से पहचान रही है। में यहाँ पर आप पीछे देखोगे ना, तो आपको MT15 वाला फील ये रियर में देने वाली है। रियर टेल लैंप आप चेकआउट कर सकते हो, LED टर्न
सिग्नल्स आपको मिल जाते हैं। हालांकि V3 में आपको यार पैटर्न लॉक मिलता था जो कि V4 में नहीं दिया है, साथ ही में इसमें आपको हैजार्ड जैसा भी कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है। अपोजिट साइड आपको यहाँ पर साड़ी गार्ड प्रोवाइड करा है, साथ ही में हाई स्पीड गियरबॉक्स के साथ ये आती है 1 डाउन 4 अप। बात करते हैं अब इस बाइक की सीट हाइट की। सबसे पहले तो आप पास से यहाँ पर सीट देख लो, कोई भी बड़ा हम्प यहाँ पर है नहीं, ना ही स्प्लिट सीट आपको मिलती है, तो फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहने वाली है। जहाँ पर इसके वेट की बात आती है, अब फर्स्ट टाइम आप अगर इस बाइक को देखोगे ना तो सेगमेंट में आपको सबसे वेटेड ये दिखने वाली है, बट उसका अपोजिट सीन है। सेगमेंट की सबसे लाइटेस्ट बाइक है जो कि आपको सिटी कम्यूट में बहुत ज़्यादा इजी रहने वाली है वाइल्ड राइडिंग। सिर्फ 136 kg का इस बाइक का वेट है। जहाँ पर सीट हाइट की बात आती है, 790 mm की सीट हाइट है, तो अगर आपकी हाइट 5'4" 5'5" भी है तो भी आप इस बाइक को इजीली मैनेज कर सकते हो। सबसे बड़ा एडवांटेज, गलती से भी ये गाड़ी झुकती है ना तो आपको एज सच कोई सी भारी नहीं लगने वाली है। साथ ही में ओवरऑल इसकी आप डिज़ाइन चेकआउट कर सकते हो, इसके लुक्स आपको कैसे लगते हैं एज कम्पेयर टू इट्स राइवल एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। पढ़ते हैं इसके हैंडल बार एंड इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की ओर। बट हालांकि जहाँ पर टैंक की बात आती है, 13 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, बट जब भी आप इस बाइक पे बैठोगे ना आपको एक अलग ही फील देने वाली इसकी कॉकपिट आप चेकआउट कर सकते हो। इतना बल्कि डिज़ाइन है ना टैंक का, पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। साथ ही में हैंडल बार देखोगे, स्ट्रेट पूरा हैंडल बार यहाँ पर दिया है जो कि आपको सिटी कम्यूट एज वेल एज हाईवेज के लिए काफ़ी कंफर्टेबल रहने वाला है। यहाँ की ओर बढ़ते हैं तो फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है और ये आपको याद दिलाता है MT15 का। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी से लेकर सारे फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं और स्पेशली इसका RPM मीटर आप देख सकते हो। हालांकि मैं आपको एक बार रेव करके दिखा देता हूँ, काफ़ी रेव हैप्पी इंजन ये रहने वाला है। साथ ही में यहाँ पर जो लाइट ब्लिंक करती है ना, हालांकि इस बाइक में VVA नहीं है बट वो लाइट ब्लिंक करती है RPM लिमिटर पे, तो आपको बढ़िया फील देने वाली है। फ्यूल गेज, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे सारे फीचर्स ये शो करने वाली है। यहाँ पर ओडोमीटर, ट्रिप बी, रियल टाइम माइलेज, सारे नीडेड फीचर्स आपको मिल जाते हैं। साथ ही में हैंडल बार की ओर चले तो यहाँ पर पास स्विच, डिम फुल का ऑप्शन, टर्न सिग्नल्स ऑन, अपोजिट साइड आपका इग्निशन स्विच एंड सेल जैसे बेसिक फीचर्स यहाँ पर मिल जाते हैं। बट अब वर्डिक की ओर बढ़ते हैं। ऑलराइट गाइस, अब फाइनली वर्डिक की ओर बढ़ते हैं, शुड यू बाय दिस बाइक और नॉट। सबसे पहले तो यार आप इसके लुक्स चेकआउट कर लो। अब पर्सनली यार आप अगर इस सेगमेंट की बाइक लेने का प्लान कर रहे हो, आपका बजट है करीबन 1,50,000 से 60,000 रुपए के बीच में, तो आपको आपका पर्पस डिसाइड करना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप पावर भी चाह रहे हो, माइलेज भी साथ में चाह रहे हो, तो इन सब चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन बाइक आपको इस प्राइस पॉइंट पे नहीं मिलने वाली है। लाइक MT15 है और भी दूसरी बाइक से, उनके लिए आपको बजट बढ़ाना पड़ेगा। बट जहाँ आपकी रिक्वायरमेंट थी कि यार मुझे गुड लुकिंग बाइक चाहिए, मुझे पावर से रिलेटेड इतना कोई वो नहीं है, मैं मतलब जब भी जाऊं बाइक लेके मुझे काफ़ी बल्कि बाइक चाहिए, यामा का फैन बेस चाहिए, साथ ही माइलेज ओरिएंटेड बाइक चाहिए, लाइक आपका अप डाउन पर्पज है या फिर आपको डेली यूज़ के लिए चाहिए, देन दिस बाइक इज़ बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। बिकॉज आपको 50 से 55 तक का माइलेज भी आराम से निकाल कर देने वाली है और इंडियन मार्केट में बाइक काफ़ी लंबे समय से रूल कर रही है। साथ ही में इसका जो इंजन है ना, मैं बोल सकता हूँ सेगमेंट का सबसे ट्रस्टेड एंड रिफाइंड इंजन रहने वाला है। बिकॉज जहाँ N150 की बात आती है और पल्सर की बात आती है, अपाचे की बात आती है, बाइक्स बहुत बढ़िया है, बट जहाँ रिफाइनमेंट की बात आती है सबका तोड़ रहने वाली है। कैसी लगी ये वीडियो एक बार कमेंट में जरूर बताना। इस वीडियो के थ्रू चैनल पर आया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ।